तो इस वीडियो में देखेंगे स्क्रॉल स्पाई क्या होता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैं फर्स्ट आइटम में क्लिक करूंगा तो ये साइड में देखोगे आइटम नंबर वन पे पहुंच जाएगा, सेकंड पे किया तो सेकंड पे आ गया, थर्ड पे एंड फोर्थ पे, ठीक है। उसको कहते हैं हम स्क्रॉल स्पाई। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन साथ ही जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो आप देखोगे ये आइटम यहाँ पर भी चेंज होंगे ये, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं स्क्रॉल स्पाई। जैसे आपने कोई टॉपिक बताया, टॉपिक का कोई कंटेंट आपको पढ़ना है, इस पर क्लिक किया तो ये आपको यहाँ शो होने लगेगा। तो ये हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, बहुत आसान है इसको करेंगे। तो इसके लिए वी एस कोड ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है स्क्रॉल स्पाई डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो मैं ये जो सैम्पल कोड है इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं इसको। तो बहुत आसान है, एक लिस्ट ग्रुप क्रिएट कर लीजिए, एक लिस्ट बना दिया ये, जैसे लिस्ट बनाते हैं वैसे ही। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्लास अप्लाई करना है, लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन, ठीक है, बस इतना ही है। और उसके बाद जो एच रेफ है ये एक डिव को रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो आईडी है हैश आईडी यहाँ पे देना है, और ये आईडी कहाँ पे, ये वाला डिव है। तो ये जो डिव है इसके अंदर जो H4 है यहाँ पर ही नेविगेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा लिस्ट में जब क्लिक करूँ तो यहाँ नेविगेट होगा, ये यहाँ पे। तो ये जो आपस में कनेक्टेड है, और साथ ही जो लिस्ट है ये डेटा स्पाई स्क्रॉल इज इक्वल टू ये कर दिया, और डेटा टारगेट में ये जो लिस्ट दिया ये लिस्ट का आईडी यहाँ पे पास किया, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसको यहाँ पे मैंने कहा पेस्ट। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करेगा, लेकिन अभी आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा CSS आपको यूज़ करना पड़ेगा। CSS इसलिए क्योंकि अभी आप देखोगे कि ये जो आइटम्स हैं ये प्रॉपरली हमको नहीं शो हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, और अभी मैंने तो इसमें रो अप्लाई किया इसलिए वो दिख रहा है, मैं इसको रिमूव करूँगा। नॉर्मली अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करो तो इस तरह से दिखेगा। तो उसको मुझे अगल बगल लेके आना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, जो बॉडी है या फिर जो मैंने यहाँ पर डिव क्रिएट किया हुआ ये, यहाँ पर मैं एक इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डिव क्रिएट करूँगा और इसके अंदर मैंने इसको डाला। तो अभी ये कुछ इस तरह से है। तो डिव में मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ, मैंने कहा रो, ठीक है। तो मैंने क्लास में कहा रो, रो अप्लाई किया, और इसके बाद जो डिव क्रिएट किया लिस्ट और ये वाला, तो इसमें मुझे क्लास अप्लाई करना है कॉलम। तो जो डेटा है उसमें मैं कहूँगा कॉलम, तो जो भी रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो कॉलम में जाएगा, लेकिन इसको मैं कहना चाहता हूँ कॉलम 4। तो ये कुछ इस तरह से हमको शो हो रहा, लेकिन अब इसको स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पे डेटा होना चाहिए। तो कंटेंट यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये जो पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, मैं ये पैराग्राफ्स यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे पैराग्राफ्स ऐड करना, तो मैं यहाँ पर मल्टीपल कर्सर्स का यूज़ कर लेता हूँ अलग अलग। तो मैंने यहाँ पर कहा पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पर कहा लॉरेम। इसके बाद यहाँ पर मैं H4 ऐड कर देता हूँ, इसमें भी मैंने कहा डमी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। इसके बाद एक और पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा लॉरेम, ठीक है। और ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर भी एक और मैंने कहा पैराग्राफ, पैराग्राफ ऐड किया, ये हो गया। पैराग्राफ में क्लास अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने इस पर कहा डिस्प्ले फोर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा लॉरेम, सेव किया। तो अभी आप देखोगे ये इसमें मैंने कंटेंट ऐड कर दिया, तो ये अभी स्क्रॉल हो रहा है लेकिन ये काफ़ी नीचे चला गया, ठीक है। तो अगर ये जो डिव इसका साइज सेट हो जाए तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काम करेगा। तो जो मेन है हमारा रो, इसमें मैं कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। स्टाइल ऐसा होगा यहाँ पे कि जो हाइट है, हाइट को मैं चाहता हूँ यहाँ पे 400 पिक्सल्स में सेट कर दिया मैंने इसको, 400 पिक्सल्स। तो अभी आप देखोगे इसका हाइट है जो कॉन्स्टेंट हो गया है, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो स्टाइल है इसको रिमूव करूँगा मैं, सेव किया। तो अभी ठीक है, तो इस रो को अलग करेंगे यहाँ से, जो स्टाइल है उसको मैंने कट किया है। स्टाइल को रो में अप्लाई नहीं करेंगे, जो मेन डिव है हमारा जो डेटा स्पाई स्क्रॉल ये लिखा हुआ है इस पर मैं करूँगा। तो ये वाला जो कंटेंट वाला डिव है, ठीक है, इसका जो साइज़ है वो सेट हो जाएगा। साइज़ तो सेट हो गया, लेकिन अभी आप देखोगे इसमें जो ओवरफ्लो है वो, इसमें स्क्रॉल मुझे अप्लाई करना है। तो ओवरफ्लो अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर एक और स्टाइल अप्लाई करूँगा, मैंने इसमें कहा ओवरफ्लो वाई में मतलब मुझे करना है स्क्रॉल। तो जैसे ही ओवरफ्लो होगा ये 400 पिक्सल से ये स्क्रॉल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे स्क्रॉल आ चुका है। इसमें अगर मैं बॉर्डर ऐड कर दूं तो सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा बॉर्डर अप्लाई करेंगे, इसमें मैं P3 ऐड कर देता हूँ, और बॉर्डर को मैंने यहाँ पर कहा राउंडेड, सेव किया। तो ये बॉर्डर अप्लाई हो गया, यहाँ पर आप देखोगे ये डेटा हो गया, स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आइटम वन पे, अभी आइटम वन एक्टिव है तो इसको मैं एक्टिव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो एक्शन है आइटम वन एक्टिव है तो यहाँ पर मैं एक क्लास अप्लाई करूँगा एक्टिव, तो ये हमको ब्लू दिखेगा यहाँ पर, ये हो गया। मैंने आइटम वन टू पर क्लिक किया तो ये आ गया, 3 पर क्लिक किया, 4 पर क्लिक किया। अब स्क्रॉल करेंगे इसको तो ये भी साथ साथ वहाँ पे आप देखो आइटम्स जो एक्टिव वहाँ पे ये भी स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। अब यही सेम चीज़ यहाँ पे इन्होंने बार बार अलग अलग तरीके से अप्लाई की हुई है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इसमें अप्लाई किए नेस्टेड आइटम्स क्रिएट किए हैं, तो उसमें भी सेम चीज़ है, नेस्टेड आइटम है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो वही है कि यहाँ पर जो HRF में आइटम का यहाँ पर आईडी दे दिया है,
सिंपली बस इतना ही है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर स्क्रॉल स्पाई, एंड देन अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्पिनर, स्पिनर क्या है इन प्रोग्रेस, ये देखेंगे। तीन चार कंपोनेंट है, छोटे छोटे से कंपोनेंट्स होते हैं, उनको एक ही वीडियो में मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।